जादुई बटर नान। रामपुर नाम के गांव में राम नाम का एक आदमी रहता था। वो गांव में एक होटल में बटर नान बनाता था। वो कद में बहुत छोटा था, उसे सब छोटू छोटू कहकर बुलाते थे। एक दिन होटल का मालिक राम से कहता है, अरे ओ छोटे, जाके दो बटर नान बना के ला, कस्टमर का ख्याल क्यों नहीं रख रहा है? अरे ओ छोटू, बटर नान तो ले आया, मगर इसमें सब्जी कौन लाएगा? तेरा ऑनर लाएगा क्या? जमीन से एक फुट भी नहीं हो, खींच के एक दूंगा ना तो उड़कर कहीं और जाकर गिरोगे। चल जाओ, जाकर जल्दी से सब्जी बनाकर लाओ। इस तरह सारे लोग उसे छोटू छोटू कहकर उसका मजाक उड़ाते थे। वो बहुत दुखी रहता था। वो हमेशा यही सोचता था कि क्यों भगवान ने मुझे ऐसा छोटा बनाया। वो ये बात अपनी माँ को बताकर दुखी होता था। माँ, क्यों तुमने मुझे ऐसा जन्म दिया? सब मुझे छोटू छोटू कहकर मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। बेटा, दुखी मत हो। भगवान ने हमें जैसा रूप दिया है, इसका हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। चाहे कोई छोटा हो या लंबा, फिर भी मानव जन्म बहुत धन्य है। कोई कुछ भी कहे, हमें उन बातों का ख्याल नहीं करना चाहिए। तुम अपना काम करते जाओ, दुखी मत हो। लोगों का क्या है, वो तो कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं। ठीक है माँ। उस रात दुखी होकर वो सो जाता है। अगले दिन सुबह वो एक जंगल से गुजर रहा था कि उसकी नजर एक साधु पर पड़ती है। रामू साधु जी को प्रणाम करता है और उनसे पूछता है, स्वामी जी, मैं आपको मेरी समस्या बताता हूँ, क्या आप मुझे उसका कोई उपाय बताएंगे? मैं कद में बहुत छोटा हूँ, सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, मैं इसे कैसे बदलूं? देखो बेटा, किसी के मुंह से निकली हुई बातों से हमें दुखी नहीं होना चाहिए। हमें अपने काम पर श्रद्धा होनी चाहिए। हम जो काम कर रहे हैं वही भगवान है। दिल लगाकर अगर हम हमारा काम करेंगे तो हमारे सारे काम बनते जाएंगे। वैसे भी बहुत सालों से जो शनि तुम्हारे साथ है वो तुम्हें छोड़कर जाने वाला है। कल से तुम जो भी काम करोगे वो बिल्कुल सिद्ध होगा। ये कहकर साधु अपने कमंडल में से पानी निकालकर राम पर छिड़कता है और वहां से चला जाता है। राम स्वामी जी की बातों से बहुत खुश होता है और बहुत ही आत्मविश्वास के साथ वहां से निकलता है। एक दिन राम बटर नान बनाते बनाते मन ही मन भगवान से प्रार्थना करता है और स्वामी जी को याद करके बटर नान खाता है। बस देखते ही देखते राम 10 फीट का हो जाता है। सब उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। अगले दिन राम होटल जाता है। क्या रे, अचानक से तू इतना लंबा कैसे हो गया? कोई जादू किया है क्या? पहले मैं तुमसे सर झुकाकर बात करता था, लेकिन अब सर उठाकर बात करनी पड़ रही है। कई बार कुछ चीजें ऐसे ही हो जाती हैं मालिक, क्या इस बार आप मुझे छोटू कहकर बुला सकोगे क्या? इस बार सब तुम्हें लंबू लंबू कहकर बुलाएंगे, और वैसे भी इतने लंबे आदमी की हमारे दुकान में कोई जरूरत नहीं है, तुम जा सकते हो। ये सुनकर राम वापस घर आता है और राम ज्यादा लंबा होने की वजह से किसी भी घर में सीधे से नहीं जा सकता था। बिस्तर पर भी पूरी तरह से नहीं लेट सकता था। हर बात में उसे तकलीफ होने लगी। उसके कद की वजह से कोई उसे काम भी नहीं देता था। वो परेशान होकर मन ही मन सोचता है, अरे माँ और स्वामी जी ठीक ही कहते थे, हमें भगवान के दिए हुए रूप में ही खुश रहना चाहिए, ना कि उदास होना चाहिए। उस रात राम फिर से एक बटर नान बनाकर खाता है और भगवान से प्रार्थना करता है और सो जाता है। अगले दिन सुबह वो अपने पहले वाले कद पर वापिस आ जाता है और वो स्वामी जी से मिलकर उन्हें सारी बात बताता है। स्वामी जी सारी बात सुनकर, बेटा, भगवान ने जो हमें रंग रूप और कद काठी दी है, हमें उसी में संतुष्ट रहना चाहिए, ना कि उसकी शिकायत करनी चाहिए।
लालच सब कुछ नष्ट कर देता है। अब तुम्हें बात समझ में आ गई है। इतना ही बहुत है, अब अपने काम से काम रखो। अगले दिन राम अपनी एक बटर नान की दुकान खोलता है और उसके बाद वो किसी की भी बातों को अपने दिल पर नहीं लेता और ईमानदारी से अपना काम करता है और एक दिन वो बहुत धनवान बन जाता है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। गोल्डफिश। एक गांव में सुरेश नाम का एक मछुआरा रहता था। वो बहुत गरीब था, फिर भी ईमानदारी और सच्चाई से अपना व्यापार करता और अपने गांव के बारे में सोचता रहता था। उसके सारे दोस्त अच्छे से पढ़ लिख कर विदेशों और शहरों में रहते थे। कोई भी गांव के बारे में ख्याल नहीं करता था। सुरेश के गांव में ना एक पक्की सड़क थी, ना ही एक पाठशाला थी और ना ही कोई हॉस्पिटल था। किसी को अस्पताल जाना हो तो उन्हें शहर जाना पड़ता था। एक दिन सुरेश अपनी नाव लेकर समुद्र में मछलियां पकड़ने जाता है। सुरेश जाल को समंदर में फेंकता है। सारी मछलियां जाल में फंस गई। उनके साथ ही एक सुनहरे रंग की मछली जाल में फंसी थी जो सुरेश को बहुत भा गई। अरे ये तो बहुत प्यारी है, मैं इसे अपने पास रखूंगा और इसे पाल लूंगा। सुरेश ऐसा मन ही मन सोच रहा था कि अचानक से बिजलियां गरजने लगी और बहुत जोरों की बारिश शुरू हो गई। अरे इस तूफान को भी अभी आना था क्या? लगता है मेरी नाव डूब जाएगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये तूफान रुक जाए तो अच्छा है। सुरेश ने ये कहा ही था कि अचानक से तूफान रुक गया। मैंने तो मन में ही सोचा था कि तूफान रुक जाए और तूफान रुक गया, ये तो कोई करिश्मा लगता है। रुकने के बाद सुरेश मछलियों को लेकर घर आता है और उस गोल्डन फिश को शीशे के बक्से में रखता है और उसमें पानी डालकर रखता है। फिर अपनी बीवी को उस गोल्डन फिश के बारे में बताकर खुश होता है। ये बहुत सुंदर लग रही है ना? हाँ आप सही कह रहे हैं, ये बहुत सुंदर है। आइए आकर खाना खा लीजिए। खाने में क्या बनाया है आज? और क्या बनाऊंगी, आपके लाई हुई मछलियाँ, नहीं तो हमारे आंगन की सब्जियाँ, इसके सिवा और क्या बना सकती हूँ। मेरा इन मछलियों को खा खा कर जी भर गया है, कभी शहर जाकर चिकन बिरयानी तो ले आइए। दिन ब दिन तुम्हारी ख्वाहिशें बढ़ती जा रही हैं, जो है उसी में खुश रहना सीखो। ये कहकर सुरेश खाना खाकर बाहर चला जाता है। दूसरे दिन खाने के समय पर घर में चिकन बिरयानी रहती है। ये देख कर सुरेश की पत्नी आश्चर्यचकित हो जाती है और अपने पति से कहती है, क्या आप चिकन बिरयानी लाए हो? नहीं, क्यों पूछ रही हो? पता नहीं, हमारे रसोई में चिकन बिरयानी है। ये कहां से आई? ये तो कोई जादू लगता है, खाना खा लेते हैं। देखिए बारिश का मौसम है, हमारी झोपड़ी खराब हो चुकी है, एक पक्का मकान बना दीजिए। कब तक इस झोपड़ी में रहेंगे? हमारे पास इतना धन नहीं है कि हम पक्का मकान बना सकें। दिन ब दिन तुम्हारी ख्वाहिशें बढ़ती ही जा रही हैं। ये कहकर पति पत्नी खाना खाकर सो जाते हैं। सुबह जब नींद से जागते हैं तो अपने आप को एक नए घर में पाते हैं। दोनों मन ही मन सोचते हैं, हमारा घर है या किसी और का? कहकर वो बाहर आकर देखते हैं तो वो उन्हीं का घर था। ऐसा कैसे हो रहा है, कोई जादू लगता है, इसका कारण क्या है? कहकर गहरी सोच में पड़ जाते हैं दोनों। तभी सुरेश को एक ख्याल आता है, ये सब इस गोल्डन फिश की वजह से हो रहा है। जब से मैं इस गोल्डन फिश को घर में लाया हूँ तब से ऐसे ही जादू हो रहे हैं। सुरेश सोच ही रहा था कि उसे एक आवाज सुनाई देती है, सुरेश इधर आओ। सुरेश हैरान होकर इधर उधर देखता है। वो गोल्डन फिश थी जिसने उसे बुलाया था। सुरेश मछली के पास जाता है। तुम तो मछली हो, तुम कैसे बोल सकती हो? मैं जादुई मछली हूँ,
देखा है, मैंने तुम्हें देखा है। तुम दूसरों के लिए बहुत सोचते हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने यहाँ आई हूँ। मुझे कोई जादू नहीं चाहिए, मुझे कोई धन भी नहीं चाहिए। अगर तुम मेरे लिए कुछ करना चाहती हो तो इस गांव को ठीक कर दो। ठीक है, तो कल सुबह मेरे साथ आना। ठीक है। छोटी सी गोल्डन फिश एकदम से बड़ी हो जाती है और सुरेश को अपने ऊपर बैठाकर समुद्र में एक द्वीप पर लेकर जाती है। वहाँ बहुत सारे हीरे, सोना, मोती होते हैं। ये देखकर सुरेश आश्चर्यचकित हो जाता है। तुम जैसे नेक और ईमानदार इंसानों को ही खजाना मिलना चाहिए। तुम ये खजाना लेकर जाकर अपने गांव वालों की मदद करना। कहकर मछली समुन्दर में चली जाती है। सुरेश वो खजाना लेकर अपने गांव आता है और अपने गांव वालों की मदद करता है। तो दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि अच्छा करने वालों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो